वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है फिर से, जो हमने रोक दी थी यूपी पुलिस के टाइम पे। अब से यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और ग्रुप डी, रेलवे में आरपीएफ और ग्रुप डी एसएससी जीडी, इसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपको पता है जी के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, कोई भी हो। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, टेस्ट सीरीज आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्ट करा दिए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप जाके चेक करिए। आर पी एफ की प्ले लिस्ट, यूपी ट्रिपल एससी की प्ले लिस्ट, एसएससी जीडी की भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज़, हम बहुत जल्दी एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए मैं आपको बता दूंगा, मैं टॉप 100 100 बच्चे सेलेक्ट करूंगा, उनके लिए सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ 100 बच्चे होंगे, एक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच होगा, एक आरपीएफ एसआई और कॉन्स्टेबल का बैच होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ अभी, लेकिन अभी एक महीना लगेगा इस प्रोसेस में। 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे आप में से ही, जब वे 100 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे पर्टिकुलर एक फील्ड के, उन्हें मैं गाइड करूँगा, अपने पास नहीं बुलाऊँगा, उन्हें वे अपने घर पे ही रहेंगे, उन्हें टॉपिक दूंगा हर रोज़ कुछ टॉपिक उसे टेलीग्राम पे बता दूंगा, उन्हें पता होगा कि इस चीज़ पे पढ़ना है, उन्हें पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन 100 पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जितने आते हैं सब नहीं पढ़ना, सिर्फ उसमें वही बच्चे होंगे जो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, और अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे तभी हम उस पर प्रोसेस पे काम करेंगे। बाकी सब चीज़ें इस बारे में मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें आ जाए, आपके पास एक महीना है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें से 100 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, और उस टेस्ट में जो जो आएंगे उस 100 में से, वे टॉप 100 को मैं पूरी अच्छी तरीके से गाइड करूँगा, जिससे कि वो अपना कैरियर बना सके। अब चलो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट की। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुषपुर। गाइज, मेरे कमेंट करने से पहले अपना जवाब रेडी रखिए, मैं ऑप्शंस बोलूँगा आपको, जवाब इसलिए पहले देना है, जीके है, अगर आता है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, वरना आपको टाइम लगेगा, इसका मतलब आपको आता नहीं है। दूसरा, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, कमेंट करते रहो फटाफट, वो है पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क? फटाफट बताओ क्या है इसका आंसर। तो हमारा थर्ड का आंसर है, चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के, तो हमारा इसका आंसर होगा डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला या गुप्त कला? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त? तुरंत कमेंट करते रहे, अगर आप चाहते हैं सच में इसे टेस्ट की तरह देना, आप टेस्ट सीरीज के लिए आए हैं तो कमेंट जरूर करें। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है इंडो बैक्टीरियन। मेरे जवाब देने से पहले आपको कमेंट करना है, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ तो मैं फिर से बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके, आपके सामने अगला क्वेश्चन पहले ही आ जाता है, पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करो, कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? सीसा, पोटीन, तांबा और स्वर्ण? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सीसा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी के युद्ध के कारण या डी बक्सर के युद्ध के कारण? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है?
आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादाभाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, सी ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, इनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक आंदोलन। अब गाइज मैं आपको ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ इस तरह का टेस्ट क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा दी है, शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा टेस्ट किस प्रकार का। मैं जो चीज़ पढ़ा देता हूँ सब्जेक्टिव में उसी का ही आगे टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? तो गाइज इसी प्रकार से हम आगे करते हुए चलेंगे जिससे कि आपकी एक एक चैप्टर क्लियर होता जाए सब्जेक्टिव में भी, और ऑब्जेक्टिव के कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर से वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद या इलाहाबाद? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है बम्बई। नेक्स्ट आंसर, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदमत के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है आनंदमत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं आप टॉप 100 में आपका सिलेक्शन हो, और दूसरा इस वीडियो को प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई थी के प्रवर्तक कौन थे? वॉरन हास्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिंटोश या जेम्स प्रिंसेप? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर विलियम जोन्स। तो गाइस इस टेस्ट के अंदर ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपका जो स्कोर रहा है टोटल क्वेश्चंस में से वो बताइए, आई होप आपने अबोव 70% स्कोर किया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।